आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। बड़े बड़े विकसित देश जिनका डंका पूरा दुनिया में बजता था, आज वो भी कोरोना के आगे नतमस्तक है। मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन से देश में कोरोना का कितना कहर है। ये एक वेबसाइट है worldmeters.info, इसके जरिए आप पता चला कर सकते हैं कि आखिर कौन सी कंट्री में कितना केसेस सामने आ रहे हैं। टोटल केसेस की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो 33,25,620 टोटल केसेस हैं कोरोना के। इसके साथ साथ मौत की बात करें तो 234,496 हैं और रिकवर्ड की बात करें तो 10,51,994 केसेस ऐसे हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं, जो कि कोरोना से जीत चुके हैं। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल केसेस और रिकवर्ड केसेस में अगर हम परसेंटेज देखें तो करीब 31% लोग जो है कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन से देश में कितने मामले सामने आए हैं। यूएसए, अमेरिका की बात करें, ये वो देश है जिसका डंका पूरा दुनिया में बजता है, लेकिन ये भी कोरोना के आगे नतमस्तक है। टोटल केसेस अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 10,95,304 हो चुके हैं और टोटल मौत की बात करें तो 63,871 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में कोरोना ने कितना कहर ढाया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिलहाल स्पेन है। स्पेन में भी कोरोना के मामले कम नहीं है, 2,39,639 टोटल मामले हैं। इसके साथ साथ डेथ की बात करें तो 24,543 हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका और स्पेन में कितना डिफरेंस है, ये देखिए आप। और तीसरे नंबर पर इटली है, 2,05,463 टोटल केसेस हैं, मौत 27,967 हैं। यूके यानी कि ब्रिटेन, 1,71,253 केसेस हैं, 26,771 मौत हैं। फ्रांस में 1,67,000 मामले, 24,000 मौत। जर्मनी की बात करें तो 1,63,000 मामले, 6,600 मौत। टर्की में 1,20,000 मामले, 3,100 के आसपास मौत। रशिया में 1,14,000 मामले, 1,170 मौत। ईरान की बात करें तो 95,000 मामले, 6,091 मौत। ब्राज़ील की बात करें तो 87,187 मामले, 6,000 मौत। और चाइना की बात करें, जिस जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई वहां पर 82,874 मामले हैं और डेथ की बात करें तो 4,633 डेथ अब तक चीन में हो चुकी है। हालांकि चीन के आंकड़ों पर सवाल खड़े होते आए हैं, कई कंट्रीज़ ने इस चीन के आंकड़े पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद कई कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो यहां पर 35,000 मामले हैं और 1,154 मौत हैं। तो ये देखिए, कोई ऐसी कंट्री नहीं बची है जहां पर कोरोना ने अपना कहर नहीं ढाया है। पाकिस्तान की बात करें तो 17,439 मामले हैं और 391 मौत हैं। हालांकि पाकिस्तान के भी इन आंकड़ों पर सवाल खड़े होते आए हैं। और ये एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर से ये शुरू हुई फहरिस्त, ये नीचे तक ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका नाम शायद आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा, उन कंट्रीज़ तक ये कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका है। ये देखिए, एक लंबी फहरिस्त है उन कंट्रीज़ की जहां पर इस कोरोना वायरस ने कहर ढाया है। और ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पर महज कुछ ही हज़ार की जो है पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर भी केसेस सामने आ रहे हैं। ये देखिए, एक लंबी फहरिस्त, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊँ तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी ऐसी ऐसी। ये देखिए, ये लास्ट कंट्री मुझे नज़र आई है और इसमें एक मामला है। तो कुल मिला के मैक्सिमम कंट्रीज़ पूरी दुनिया की हैं जहाँ पर कोरोना ने कहर ढाया है। और आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि अब तक कोरोना की वजह से जो आंकड़ा इस वेबसाइट के जरिए हमें दिख पा रहा है कि 2,34,496 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना कहर ढा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी 35,000 प्लस केस हो चुके हैं और 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए और कोरोना से बचने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और इसके साथ साथ लॉकडाउन का पालन करना। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, लॉकडाउन का पालन करते हैं, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हम लोग करते तो शायद जो स्थिति आज अमेरिका की है, स्पेन की है, इटली की है, शायद हमारे देश में भी हो सकती है। सहयोगी अनमोल के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।